मैरवा में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया प्रशिक्षित। कमजोर शिशुओं की पहचान घर घर जाकर करेंगी स्वास्थ्य कर्मी। सुरक्षा गुणवत्ता और पोषण देखभाल प्रत्येक नवजात शिशुओं के जन्मसिद्ध अधिकार है। रेफरल अस्पताल के सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रकाश कुमार के देखरेख में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह को लेकर सभी ANM और आशा फैसिलिटेटर तथा आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रकाश कुमार ने कहा कि 27 नवंबर से 15 दिसंबर तक नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसको लेकर नवजात के बेहतर देखभाल तकनीक के प्रति लोगों को कैसे जागरूक करें इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बताया गया, ताकि मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि नवजात के जन्म के बाद पहले 28 दिन उसके जीवन व विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। बचपन के किसी अन्य अवधि की तुलना में नवजात की मृत्यु की संभावना अधिक रहती है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने व 6 माह तक शिशुओं को बेहतर देखभाल के प्रति आम लोगों को जागरूक करना है। हेल्थ मैनेजर शाहिद अली ने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मी डोर टू डोर जाकर कमजोर नवजात शिशुओं को चिन्हित करते हुए उन्हें उचित सलाह देंगे। इसके लिए सिवान सदर अस्पताल में शिशुओं के बेहतर इलाज की सुविधा निःशुल्क है। आज के जो ANM लोगों के साथ जो बैठक आयोजित किया गया है रेफरल अस्पताल सभागार में, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसमें हम लोग ANM को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो 5 साल 6 माह से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, 5 साल से अंदर के जो बच्चे हैं उनको गंभीर बीमारियों से कैसे बचाना है। जैसे न्यूबॉर्न हमारा जब पैदा लेता है तब से क्या क्या जटिलता हो सकती है, तो पैदा लेने के बाद बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है कि 1 घंटा के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करा देना है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक पूरा पूरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ के दूध पे ही रखना है। 6 माह के बाद ऊपरी आहार थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। बच्चा को एक सबसे बड़ा समस्या होता है दस्त का, अगर दस्त आने लगता है तो उसको उस समय ORS उसको बना के पिलाना है। ORS का पैकेट जो हम लोग यहाँ से सप्लाई होता है उसको 1 लीटर पानी में बनाना होता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा डाल देते हैं और ऐसे देते हैं, तो उसमें फॉर्मूला उसका काम नहीं करता है, है ना। उसमें 1 लीटर पानी में ही जब घुलेगा तो उतनी 245 ऑस्मोलरिटी उसकी आएगी, तब जाके वो ORS काम करेगा। और उसमें साथ में फिर जिंक का गोली भी देना है वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से। फिर इसके बाद कोई भी अगर गंभीर समस्या इनको अगर क्षेत्र में मिलता है इस सप्ताह में, तो उसको तुरंत रेफरल अस्पताल में लाना है, ताकि हम लोग अपने जो शिशु का जो डेथ रेट है वो हम लोग कम कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आज का सर जो बैठक आयोजित किया गया, इसके क्या उद्देश्य है? ये भारत सरकार के निर्देशानुसार और बिहार सरकार के निर्देश पे नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह का आयोजन रेफरल हॉस्पिटल मैरवा में किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रामीण स्तर पे भी हम लोगों ने इसका पूरा तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नवजात शिशु जो भी जन्म लेता है या जन्म से लेके 5 साल के जो भी बच्चे हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, उसको कैसे पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद उसको इलाज के लिए कहाँ पर भेजेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ANM और आशा फैसिलिटेटर को इसकी जानकारी दी है। जन्म के समय बहुत सारी जटिलताएँ हैं, जैसे हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया है कि बहुत सारे बच्चे कमजोर जन्म लेते हैं, कम वजन के बच्चे लेते हैं, बर्थ एस्पेक्सिया हो जाता है, वह दूध पीने में वो सक्षम नहीं रहते हैं, तो वैसे बच्चों को हम लोगों ने स्पेशल रेफरल हॉस्पिटल में केयर करते हैं। और साथ ही साथ माँ को कंगारू मदर केयर देके चमड़े के चढ़ सटाव किया कराया जाता है, हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए माँ का दूध दिया जाता है लगातार उसको 6 माह तक, उसमें मतलब कुछ भी अतिरिक्त चीज़ नहीं दिया जाता। जो भी कमजोर बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको हम लोग NRC सदर अस्पताल सिवान में भी रेफर कर रहे हैं। इसमें सारी ANM हमारी आज प्रशिक्षित हो गई है और अपने इस सप्ताह को सफल बनाएंगी और कमजोर बीमार बच्चों को चिन्हित कर हॉस्पिटल में लाएंगे और उसका इलाज यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी और उनकी टीम के द्वारा किया जाएगा।